और महिला में पांच पीर पनमा और पच्चीस गोस पड़िया छेल येरा और तब नहीं तत्वा इरिंगिन भेले तब नहीं तत्वा रंगिन भेले तही खैरा बेटी को
नैहर में भाई हो जाए, भौजाई हो जाए, भतीजा हो जाए, आलीशान मकान दलान भी हो जाए, लेकिन पता लगाइए जिस बेटी को नैहर में माँ और बाप नहीं है तो क्या नैहर अच्छी लगती है क्या? जो बेटी के प्रेम माँ बाप से है वह प्रेम इस कलयुग में भाई भौजाई से नहीं है। जैसे बेटी माँ के बिना नैहर में उदास रहती है, इसी तरह से ईश्वर भक्ति के बिना यह जीव परमात्मा के दरबार में उदास रहता है। एक एक महतरिया पिए तब नहीं सुहावन लागे, तब नहीं सुहावन लागे, एक महतरिया सजनों, इस संसार में बेटी को जितना दुख है उतना हम लोगों को दुख नहीं है। नैहर में बेटी को माँ बाप नहीं है तो नैहर से रिश्ता खता, नैहर से प्रेम खता। ससुराल में भी बेटी उदास रहती है कभी कभी, ससुराल में पाचको भाई सूरवा, ससुराल में पाचको भाई सूरवा, पच्चीस गोते वाले माँ अच्छे नहीं है तब नहीं ससुराल सुहावने लागे, तब नहीं ससुराल सुहावने लागे, ये कहीं बलवा
ससुराल में, बेटी को ससुर हो जाए। हेलो, भाई सुर हो जाए, देवर हो जाए, सास हो जाए, मकान दलान इत्यादि हो जाए, लेकिन बेटी को ससुराल में पति नहीं है, वहां भी बेटी उदास रहती है। अब नैहर में भी उदास, ससुराल में भी उदास, और कैलामा और सोलह पति से आप हराम कहीं नहीं, अरे तब मोरा मंगिया उदास कन्नद भगवान की जय। जैसे बेटी नैहर में रहती है, किसी चीज से आसक्ति नहीं, इसी तरह से हम लोगों को संसार में रहना है लेकिन आसक्ति नहीं। हम लोग यहाँ जन्म क्यों लिए हैं, क्या कारण? हम लोग इस संसार